दोस्तों मेरा नाम मुकुल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉलीवुड स्टार। दोस्तों कंप्लीट हो चुका है वरुण धवन और कृति सैन उनकी आने वाली फिल्म भेड़िया का काम। जी हाँ, और कल शाम को इस फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, और जो कि होने वाली है 14 अगस्त 2022, यानी कि 14 अगस्त को अगले साल वरुण और कृति सैन की फिल्म भेड़िया रिलीज होने वाली है। कल ही इस फिल्म का काम कम्प्लीट हुआ और जिसके बाद इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं दिनेश विजन, जिन्होंने स्त्री और रूही जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्मों को बनाया है। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म यानी कि भेड़िया को भी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और भेड़िया फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अमर कौशिक, जिन्होंने दिनेश विजन की फिल्म स्त्री को डायरेक्ट किया था। स्त्री में आपको राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर नजर आए थे, रूही में राजकुमार राव और जानवी कपूर नजर आए थे, और भेड़िया में वरुण धवन और कीर्ति सैनन नजर आ रहे हैं। और प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने बैक टू बैक 3 हॉरर फिल्मों का काम किया। पहले स्त्री के 3 साल बाद इन्होंने रूही का काम शुरू किया, वो रिलीज हो चुकी है। रूही के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने वरुण धवन और कीर्ति सैनन के साथ भेड़िया की शूटिंग शुरू कर दी थी, जो कि कम्प्लीट हो चुकी है। अब ये फिल्म 14 तारीख को रिलीज होने वाली है अगले साल अगस्त के महीने में। भेड़िया के अलावा दिनेश विजन एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म लेके आएंगे बहुत ही जल्द, जिस फिल्म का नाम होने वाला है मुंज। मुंज फिल्म में आपको भेड़िया, रूही और स्त्री के जितने भी कलाकार हैं वो एक साथ नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ये दिनेश विजन की आखिरी हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है, और इस फिल्म की कहानी भी दिनेश ने स्त्री फिल्म के साथ ही कंप्लीट कर ली थी। दिनेश विजन हॉरर कॉमेडी फिल्म के अलावा एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म भी लेके आ रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है दसवीं, जिसमें आपको यमी गौतम और मृणाल ठाकुर नज़र आएंगे अभिषेक बच्चन के साथ, जिसमें अभिषेक बच्चन एक गुंडे का रोल प्ले करेंगे, और वो दसवीं फेल होने वाले हैं, लेकिन दसवीं फेल होने के बावजूद भी वो एक मिनिस्टर बनने की चाहत रखते हैं, उसके ऊपर वो कहानी होने वाली है। और उस फिल्म का काम बहुत तेज़ी से इन दिनों मुंबई में चल रहा है, वो फिल्म भी अगले साल आपको देखने को मिलेगी, जिस फिल्म का नाम है दसवीं। तो दिनेश विजन अलग अलग कहानियों के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे हॉरर कॉमेडी हो, पॉलिटिकल ड्रामा हो, या फिर कॉमेडी फिल्म भी आने वाली है शायद आगे चल के दिनेश विजन की। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मतलब से अगले वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।